நச்சல 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 பிந்துடி நச்சல பிந்துடி நச்சல பிந்துடி नमस्कार खम्मागनी, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चौथे और अनोखे शो में जिसका नाम है नचले बींदड़ी, जो देगा राजस्थान की बींदड़ियों को एक नई पहचान। अभी स्वागत करते हैं हमारे गुरु और महागुरुओं का, तो जोरदार तालियां हो जाएं हमारी तीखी मिर्ची शबाना जी के लिए, और अब जोरदार तालियां हमारे महागुरु अरविंद जी के लिए, और जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए जिनकी वो बात मुझे कभी समझ में नहीं आई, तड़कड़म प्रीति जी के लिए भी तालियां। शो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज की थीम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था अपने वादे के मुताबिक, हम आपको कल छोड़ गए थे एक थीम के साथ जिसका नाम था हंसते हंसते। तो आज भी हमारे इस मंच पे हमारी बाकी बची बींदियां लगाएंगी लटके झटके और ठुमके। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि हमारी थीम है आज की हंसते हंसते, तो हम आपको नृत्य के जरिए तो हंसाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको एक कॉमिक चंक दिखाना चाहते हैं जिसके लिए हमारे मंच पे आ रहे हैं एक सेलिब्रिटी। Excuse me, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंदा। आए हाय, चंदा जैसी चकोर। लेकिन हमने तो अमोल जी को बुलाया था, आप कैसे आ गई? नहीं, वो रह गया ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हमारी बींदड़ी आपको कैसी लगती हैं? किसी के बारे में बताना चाहेंगी कुछ? जो तुम्हारी कौन रेनू है, रेनू क्या नाम है उसका? रेनू सोनी। काय की सोनी, दिखने में तो लोहा है। अच्छा, प्रज्ञा कैसी लगती है? प्रज्ञा तुम क्यों पूछ रहे हो? अच्छा तुम पूछ लो। अच्छा प्रज्ञा कैसी लगती? प्रज्ञा ऐसा लगता है जो ससुराल वालों ने दहेज के लिए अभी प्रताड़ित किया हो। हर बात पे बोलेगी क्या करना है अगला गाना। प्रीतिका के बारे में? प्रीतिका नहीं, उस लड़की के बारे में एक ही बात बोलूंगी कि उसको बचपन में पैदा होते ही भगवान ने बोला तू बहुत ऊपर जाएगी, इसलिए इतनी लंबी सबसे ऊपर वही रहती है। वो तो अरविंद जी है ना, मुझे अरविंद नाम के लोग बड़े पसंद है। एक मेरा बॉयफ्रेंड था अरविंद केजरीवाल। हाँ, इस्तीफा नहीं दिया? केजरीवाल नहीं, इस्तीफा नहीं दिया, वो मुझे प्रपोज करके धरने पे बैठा, आज तक वापस नहीं आया। ऐसा है, वैसे ये भी मुझे जम रहा है। पूछ लेती हूँ कैसी लगी मैं? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सो स्वीट, आगे सबके सामने नहीं। अच्छा मोहित के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मोहित यहाँ पे मुझे बहुत छेड़ता है, मुझे इसे कैसे बचना चाहिए? कोई ये और छेड़ता? हाँ, इसे देख के तो हमारे गली के पहलवान छेड़ते हैं। तू भाई कैसे छेड़ लेता इसको? मैं तो तुम्हें भी छेड़ लेता हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ऑल बिंदड़ी एंड मी आल्सो बिंदड़ा। आई ना हंसी? तो अभी इतना काफी नहीं है, हमारे पास है एक और सरप्राइज आपके लिए। जी आ रही है वो जो इस मंच पर और भी ज्यादा रोशनी बिखेर देंगी, यानी कि हम उतार रहे हैं चांद को स्टेज पर। और बताना चाहूंगा उनके आने से पहले कि उन्होंने 19 मूवीज में काम किया है, क्रिश मूवी में भी आपने उन्हें देखा होगा। और अभी प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मानिनी डे मिश्रा।
आपका स्वागत है हमारे नृत्य आंगन में, हमारे नचले बिंदी में। तो मोहित, तुम्हारे पास सवालों का कुछ भंडार भरा पड़ा है। तो मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि आज हमारे इस मंच पर चांदनी नहीं आई है, पूरा चांद उतर आया है। तो इस चांद को आगे हम कौन कौन सी मूवीज में देखने वाले हैं? एक्चुअली इस साल मेरी 3 फिल्में रिलीज पर हैं। एक उड़िया फिल्म है जो मेरी डेब्यू उड़िया फिल्म है, मेरी डेब्यू मराठी फिल्म है। इसके अलावा 2 हिंदी फिल्में हैं, वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी कार्ड और दूसरी का नाम है एक सरकारी जूता। एक सवाल पूछना चाहूंगा, जरूर। अब तक हमने आपको अदाकारी करते हुए देखा है आपकी मूवीज में, लेकिन यहाँ पर स्टेज पर हमारी बिंदियाँ नृत्य दिखा रही हैं, अपना हुनर बता रही हैं, तो आप उनके हुनर में वो कौन सी पहली चीज है जो देखना चाहेंगी? एक्चुअली सच बात यह है कि मैं एक ट्रेन डांसर हूँ जो क्लास से भाग गई थी। मुझे डांस से बहुत ज्यादा प्यार है और प्रॉब्लम ये है कि मैं नृत्य करती नहीं हूँ, मैं नृत्य हूँ। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे मंच पे आई हैं, तो प्लीज आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। मानवी जी के लिए जोरदार तालियां। तो यहाँ पे हो चुकी है शुरुआत हंसने की और डांसिंग की। हमारे जजेस हमारे साथ मौजूद हैं और अब मजा आ रहा है, मंच थोड़ा भरा भरा और खूबसूरत भी लग रहा है। और अभी स्टेज पर आने वाली है वो जिसके नाम से खुद ही स्माइल आ जाती है। हाँ, कैसे? सुजीता। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी अगली बींदड़ी सुजीता जी का। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। तार बिजली से, तार बिजली से, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे। तार बिजली से पतले तुम्हारे पिया, ये तार कहाँ से लगा लिया? कहिया का तार, कहिया का तार लगा लिया इन्होंने। ले जानते हैं सासू माँ क्या कहती हैं, जिन्हें आपने सासू माँ बना दिया है। हाय सुचिता, आपने आज ये
इतना मोटा किरदार निभाया और मुझे सास बना दिया. माँ तो बनी नहीं, सास पहले बन गई मैं. चलो अच्छी बात है, कुछ तो अचीव हुआ मुझे. रेडीमेड बेटा मैम, रेडीमेड बेटा मिला आपको. रेडीमेड वो भी इतना सुकड़ा. तार जैसा, एग्जैक्टली तार जैसा. परफॉर्मेंस पे आते हैं, आपने जितना भी किया, इतना पैडिंग करके, इतना सब कुछ पहन के, आप लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने उस चीज़ को लिया चैलेंज के हिसाब से. आपने उस इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाया, बट आपने काफ़ी हद तक अच्छा किया, तो इसलिए आई एम हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस. थैंक यू शवाना मैम. बढ़ते हैं मानिनी जी की तरफ. मैम आप बताइए, आपको कैसी लगी इनकी ये कॉमेडी? सुचिता, yes, ma'am. बहुत मज़ा आया आपका परफॉर्मेंस देखकर. और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप लोग टेलीविज़न का जो ये सीन है या ये लाइट सीन है, आप ज़िंदगी में पहली बार फेस कर रही हैं. यस मैम. तो मैं तहे दिल से आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और एक्चुअली आपकी पीठ थपथपाना चाहती हूँ कि आपका मादा और आपकी हिम्मत वो सचमुच तारीफ के लायक है. मुझे आपके परफॉर्मेंस में बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. क्या बात है, थैंक यू मैम. बढ़ते हैं प्रीति जी की तरफ. प्रीति जी बताइए, कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? सुचिता जी, हेलो मैम. हेलो. आपके बोल थे सैया तार जैसे और आप गुब्बारे जैसी. मुझे खूब मजा आया. जो आज की हमारी थीम है हंसते हंसते, इसमें बिल्कुल सही बैठा. आपने वो मूड रखा, आप हंसती रही, हमको हंसाती रही. और काफ़ी आपने कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं यूज़ की, लेकिन आप जो बनी उसमें ही आपने सब कुछ कर दिया. तो आपने पूरा इसे अच्छी तरह बखूबी निभाया है और इसे निभाते निभाते आपने एक माँ बनने से पहले सासू माँ बना दिया इन्हें. बार बार सासू माँ ये क्या किया, सासू माँ वो क्या किया. बस एक चीज़ कहूँगी सुचिता जी, आप और थोड़ा फोर्स लगा सकती है, इसकी ज़रूरत है और आप कर सकती हैं. थैंक यू वेरी मच प्रीति जी. अरविंद सर बताइए, ये जाड़ी सुचिता जी आपको कैसी लगी? इन्होंने भी कहा कि प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की. प्रॉपर्टी यहाँ थी तो भी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो साथ में थी जिसको फेंक रही थी इधर उधर. इससे बड़ी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है. बहुत अच्छा लगा. बस ये कि आपका मेकअप देख के थैंक यू सर नहीं देने का मन कर रहा है. अच्छी लग रही है. थैंक यू. थैंक यू. चलिए मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं. शबाना मैम सबसे पहले आपसे मार्क्स लेते हैं. तो 9 मार्क्स शबाना जी की तरफ से. अब प्रीति जी कितने मार्क्स देती हैं? 9 मार्क्स एंड दिस इज टोटल 18 मार्क्स. और कांग्रेचुलेशंस मोटी दीदी, प्लीज टेक दिस. तो अगली पिंडली को बुलाते हैं जो कि इस मंच पर एक हंसी का पुट जरूर लेकर आएगी. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी अगली बिंदड़ी पल्लवी जी का. बिन बतूता ता ता बगल मजूता ता ता इबन बतूता ता ता बगल में जूता ता ता पहने तो करता है चुर्र उड़ उड़ आवे आ आ दाना चुगे आ आ आ उड़ उड़ आवे आ आ दाना चुगे आ आ उड़ जावे चिड़िया फुर्र इबन बतूता ता ता बगल में जूता उड़ उड़ गावे दाना चुगे
पानी का ढोलो बाबे आदा ठुलो क्या बात है हमारी प्यारी जोकर, आ जाइए यहाँ पे। मानिनी जी आप बताइए कि कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? घणो चोखो, बहुत मजा आया। और आपको जितना मजा परफॉर्म करने में आ रहा था वही इलेक्ट्रिसिटी आपने हम तक पहुंचाई, और लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे वो गाना सिर्फ बैकग्राउंड में था, यू हैड बिकम दैट सॉन्ग। कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, बहुत अच्छा परफॉर्म किया पल्लवी, फैंटास्टिक। थैंक यू मैम। अरविंद सर, ये जोकर वाकई में राजस्थान के लिए इतिहास बनते जा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि राजस्थान यानी रानियों का स्थान भी बनता जा रहा है। मैं तो दिल से कह रहा हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों के सामने बैठने का मौका मिला। मैं शायद कोई अच्छे कर्म के होंगे जो आप जैसे कलाकारों के सामने बैठने का मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आप जानते हैं हमारी शबाना मैम जी से कि तीखे मिलेंगे या लाल चटनी जैसे मीठे मिलेंगे। पल्लवी आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया लेकिन आपके रिदम मिस हो गए, आपने पूरा स्टेज कवर किया। लास्ट हम लोग वाकई में डर गए जब आप जंप किए नीचे। आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ गई है। yes, बहुत ज्यादा। यस मैम, दिस वाज अ गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रीति जी आप बताइए आपको कैसी लगी हमारी पल्लवी जी की ये परफॉर्मेंस? पल्लवी जी, यस मैम, एक जोकर क्या होता है? जोकर होता है जो हमेशा आपको हंसाते रहता है। यस मैम, एक पल के लिए भी हमारी मुस्कुराहट यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँची। हम पूरे एक्ट के दौरान यहाँ थे, हर एक चीज़ में उछल कूद रही थी, तो हम भी तुम्हारे साथ उछल कूद कर रहे थे। तो कहीं पे भी हम कहीं आराम से अच्छा ठीक है हो रहा है वैसा कहीं नहीं हुआ है। इसे कहते हैं हंसते हंसते। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ जरा ये मिस हुआ, मैं ऊपर देखूँ, तब तक मैं देखा ये तो उड़ रही, उड़ते कहाँ गई। लेकिन उड़ते उड़ते आपने बीच बीच में बीट्स भी उड़ा दी, ये नहीं चलेगा। और एक चीज़ तो अच्छी थी लेकिन प्रीति, बाबा जी का ठुल्लू। बाबा जी बेस्ट था, वेरी गुड। मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे दोनों जजेस से कि वो कितने मार्क्स देते हैं। 1, 2, 3 99 मार्क्स, 18 मार्क्स हो चुके हैं पल्लवी जी, कंग्रेचुलेशंस। बैठ जाइए प्लीज। सुमन। यस मोहित। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू वेरी मच। मन कर रहा है कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ दूं। ओह वाओ। मन कर रहा है कि हर खुशी से मुंह मोड़ दूं। क्या बात है। मन कर रहा है कि ये दुनिया छोड़ दूं। हाँ। बस तुम ऐसी हंसते रहना, मैं 2-3 झूठ और बोल दूं। मोहित, कभी कभी तो तुम तारीफ करते हो वो भी तुम ऐसे मजाक में डाल देते हो। मैम क्या ये झूठ बोल रहा है? यस ये झूठ बोल रहा है। ओके फिलहाल मैं तो चांस मारता ही रहूंगा, लेकिन आप मत छोड़ना ये चांस क्योंकि अंकिता लेकर आ रही है लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज अंकिता। Eid Young, King Khan, yo yo honey singer. मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajni fans, don't miss the chance. खाना पड़ेगा
कमेंट्स लेते हैं। सबसे पहले मानिनी जी, अंकिता जी की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? अंकिता, आपने जो चॉइस ऑफ सॉन्ग था वो बहुत अच्छा था आपका। मुझे ऐसा लगा कि आज के परफॉर्मेंस में जितनी पावर और एनर्जी की जरूरत थी वो थोड़ी सी मिसिंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने अपने प्रॉप्स को यूज किया, लेकिन सच कहूँ तो थोड़ी सी एनर्जी की कमी मुझे नजर आई। और क्योंकि आप इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं तो शायद मुझे थोड़ी सी और उम्मीद थी आपसे, बट ओवरऑल फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। थैंक यू मानिनी जी। प्रीति जी, आपसे पूछना चाहेंगे कैसी रही इनकी ये लूंगी और इनका डांस? अंकिता जी, जो गाना लिया है ये गाना पूरी तरह से रजनी जी को डेडिकेटेड है। रजनी जी की एक पर्टिकुलर स्टाइल है वॉकिंग की, उनके एक्सप्रेशन, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आँखें रखते हैं और मुँह उनका रहता है, बहुत ही एक टिपिकल है और ये उनका ट्रेडमार्क है, मतलब बरसों से चला आता है। जब रजनी जी की बात करते हैं वो आना ही आना है, आपका फेस पे भी नहीं आया लेकिन वो वॉक तो आना ही है। वो रजनी जी का जो अकड़ के और स्टाइल से ज़रा साइड से चलते हैं, वो मैं पूरे में तरसती रही देखने के लिए। आप कुछ भी करो नहीं करो वो तो आना ही था। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये रजनी जी का गाना ये नहीं आया तो ये नहीं चलेगा। और आपकी आज एनर्जी इतनी डाउन क्यों थी? आगे बढ़ते हैं और अरविंद सर आपसे पूछते हैं, आप बताइए कैसी लगी आपको अंकिता जी की परफॉर्मेंस? मैं तो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हमारे पूरे जितनी बिंदड़ियाँ हैं उसमें सबसे बेस्ट बेस्ट, मतलब ये जब आती है ना, हम तीनों ये सोचते कि यार ये अभी कौन सा दे, ये कौन सा दे, ये कौन सा, मतलब आखिर में हमको 10-10 की आदत हो गई थी। यस सर। और ये गाना तो सुपर हिट है, इस गाने के अंदर कुछ नहीं तो रजनी सर को तो सिर्फ आपको फॉलो ही करना था, जो कहीं पे भी नहीं आया। तो प्लीज़ थोड़ा आगे ध्यान रखिएगा। थैंक यू। शबाने जी से जानते हैं कि उन्हें परफॉर्मेंस कैसी लगी। हाय अंकिता। हेलो मैम। ना आप में फोर्स, ना स्टेमिनर, ना ताकत, ना मूवमेंट, ना मूड, कुछ भी नहीं था। जबकि ये गाना अगर बजता है तो बच्चा बच्चा नाचता है। ठीक है, एक सेकंड के लिए हम ये भूल जाते हैं कि आप बॉलीवुड से नहीं हो, आप फिल्म लाइन से नहीं हो, तो आपको रजनीकांत का स्टाइल नहीं आएगा, ये बात हम हजम कर सकते। लेकिन कुछ तो होता। कॉमेडी का मतलब, हंसाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना फोर्स छोड़ दें। डांस में हंसाओ तो हम माने, लेकिन ऐसा सब करके इसमें हंसी नहीं आएगी। इससे आपने आज बहुत ही वीक परफॉर्मेंस दिया है। अंकिता जी, बढ़ते हैं अब मार्क्स की तरफ। शबाना मैम, कितने मार्क्स देंगी आप? 7 मार्क्स। प्रीति जी, आप कितने मार्क्स देंगी? 6 मार्क्स। आपको मिले हैं 13 मार्क्स। दिन पान खाकर नेताजी स्टेशन पर जा रहे थे, रिपोर्टर ने पूछा ए नेताजी क्या कर दिया है जमीन पर, और भैया क्या कर दिया, ठोक दिया नेताजी, और भाई ये तुम रेलवे वालों ने पेंट छोड़ा था हमने पूरा कर दिया। तो भाई पान में लगाते हैं और ज्यादा कट्ठा, बुलाते हैं स्टेज पर ममता, जोरदार तालियां भाई। पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं पे सबरों की तरह, क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं पे सबरों की तरह, क्यों मेरे दीवाने हो, नहीं नहीं, क्या कोई परवाने हो, नहीं नहीं, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, काम क्या है मुझसे इतना
जी हाँ जी हाँ जान भी लुटाओगे हाँ जी हाँ जी हाँ रजनी बनाओगे जान भी लुटाओगे आज हम कहते हैं तुमसे प्यार हो गया बात ये काम कर कहाँ पे क्यों है चला अपना भी शुक्रिया कर दिया होता हम आगे पीछे डोलते हैं भवरों की तरह हम देखते हैं तुमको यूं बेसब्रों की तरह क्या मेरे दीवाने हो अरे हाँ जी हाँ जी हाँ क्या मेरे परवाने हो अरे हाँ जी हाँ जी हाँ क्या मेरे दीवाने हो क्या मेरे परवाने हो आज हम कहते हैं तुमसे प्यार हो गया क्या बात है ममता जी तो चलिए अब बढ़ते हैं कमेंट्स की तरफ और सबसे पहले पूछते हैं मानिनी जी को आपने जो गाना चुना वो बहुत इंटरेस्टिंग था और वो कॉमेडी के इस थीम से बिल्कुल मेल खाता था थैंक यू मैम आपने जो प्रॉप्स भी यूज़ किए बहुत इंटरेस्टिंग थे और दूसरी बात ममता कि आपके साथ जो डांस कर रहे थे हमेशा ख्याल ये रखिए कि जजेस की नज़र उन पर कम और आप पे ज़्यादा रहे So, मुझे ऐसा लगा कि डेफिनेटली कॉमिक एलिमेंट था लेकिन थोड़ा और डांस होता तो और मजा आता बट ओवरऑल वेरी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस थैंक यू थैंक यू मानिनी जी अब शबाना जी से ही मैं डायरेक्ट पूछना चाहूंगी क्या कहना चाहेंगी इनके बारे में मैम के सारे कमेंट से बहुत खुश हूँ वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वही बात बोली जो मेरे दिल में थी लेकिन अगर हमने ये आपको थीम दे दिया है कि हंसते हंसते आप लोगों ने डांस बंद कर दिया है आप लोग बिल्कुल नहीं नाच रहे हो इतनी इतनी सी कमर ये लेवल पे जाकर यही गाने को लेते डांस में कॉमेडी करते तो मजा आता तो दिस वाज ओके परफॉर्मेंस अब जानते हैं अरविंद जी से कि वो इस परफॉर्मेंस के लिए क्या कहेंगे दांत बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार क्या बात है आपने पूरे एफर्ट्स डाले कि आपको कॉमेडी में क्या चाहिए था और हमको क्या चाहिए था ममता जी ठीक था लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि अब जो लेवल है हमारे गुरुजी और हम लोग सब प्लानिंग ये करते कि 10 के बाद क्या दे यस सर और 10 के ऊपर एक ही चीज़ आ सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अभी आपके परफॉर्मेंस में इतना नहीं था थैंक यू प्रीति जी आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसी लगी ये दो चोटी वाली ममता जी जो मेरे मन में था ये तीनों ने कह दिया बहुत ही कम शायद कुछ बचा है मेरे लिए मुझे याद है हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो साइंस में एक स्टेटमेंट आता था फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बिल्कुल सही आपके जो पार्टनर थे उनका एक्शन यहाँ था आपका रिएक्शन यहाँ था ये बिल्कुल हजम नहीं हुआ आप तो डांसर है भाई हम आपसे तो ये नहीं उम्मीद करते हैं हम ममता जी प्लीज ध्यान रखें जी मैम चलिए अब सीधे सीधे मार्क्स मांगते हैं 1 2 3 बोले अप्पा जप्पा डप्पा 14 मार्क्स हो चुके हैं आपके ममता जी कंग्रेचुलेशंस और अब स्वागत करते हैं अपनी अगली बींदड़ी का जो कि है आज की हमारे इस थीम की सबसे आखिरी परफॉर्मर तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रज्ञा जी का nare na 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 nare re nare re re da da nare me nare Out of control, ho toko karke goal. Ho toko karke goal, seete baja ke bol. Life ho out of control, ho toko karke goal. Ho toko karke goal, seete baja ke bol. मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा
सीढ़ी बजा के बोल भैया आले बाप, अरविंद जी आप तो वही हो ना जो टीवी पे आते हो। हाय राम, इतने बड़े आदमी। हाँ, इतने बड़े आदमी। एक रुपया दो ना, एक रुपया, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, एक रुपया दो ना। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। क्या बात है प्रज्ञा जी, बहुत कमाल। मैम, इनके लुक को लेके मैं बोलना चाहूंगी, ये देखिए हम लोगों ने इयररिंग्स कितने कमाल कमाल पहने हैं। इनके इयररिंग्स देखिए, सेफ्टी पिन डाली हुई है उन्होंने। अब जानते हमारे जजेस से यार कि कैसी लगी उन्हें परफॉर्मेंस। माननी जी, आप बताइए कैसी लगी उत्तरी परफॉर्मेंस यार। नमस्ते मैम। नमस्कार। अगर एक शब्द में मुझे कहना हो तो सर्वश्रेष्ठ। थैंक यू मैम। आपने ये जो दोनों इमोशंस को इतनी ब्यूटीफुली, जिसे कहते हैं ना, इंटीग्रेट किया, पहले तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। एनर्जी बहुत अच्छी थी और सबसे मज़ा ये आया कि यू वर नॉट, यू नो, जिसे कहते हैं कि हम आगे बैठे हैं लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा था आप अपनी खुशी के लिए डांस कर रही हैं। मैम, आज मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल, मतलब, बिंदास नाचूंगी। क्या बात, बिंदास था, जो होगा देखा जाएगा, एकदम बिल्कुल। और आपने सही थीम चूज किया, ऑल इज वेल, क्योंकि जिंदगी में ऑल इज वेल। थैंक यू मैम। फैबुलस परफॉर्मेंस, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू मैम। जानते हैं शबाना जी से वो किस पॉइंट को पॉइंट आउट करती हैं। प्रज्ञा, आपने स्टार्ट बहुत खूबसूरत किया। थैंक यू मैम। हमें वो भी अच्छा लगा जो आपने हैंड पंप से पानी निकालना चाह रहे हो और वो नहीं आया और दोबारा निकाल के आपने तो खैर ले लिया, तो वो पॉइंट आपका बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। डांस के मामले में अगर हम देखें तो डांस वहाँ कम था, बाकी आपका एक्ट बहुत अच्छा था। वो ला के यहाँ कचरा भी फेंक के चला जाता है, तो जैसे हमने एक्ट देखा लास्ट का इमोशनल, बहुत अरविंद जी के बारे में जो कहा, और फिर जब जहाँ तक हम लोगों को समझ में आया अरविंद जी ने आपको लाफा मारा, यही था ना आपका कॉन्सेप्ट। और फिर वो जग, मतलब कॉमेडी ट्विस्ट डाला था हमने, जग। अच्छा, जग सुना सुना, वो जग सुना सुना। सिर्फ अरविंद जी ने इसका मतलब निकाला कि ये जग सुना सुना गाने का वर्ड है। हाँ, हम लोग अरविंद जी से बहस करें, नहीं अरविंद जी ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं, करेक्ट बोला। परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड। थैंक यू मैम। अरविंद सर, आपसे पूछना चाहेंगे, बताइए ये जग आपको कैसा लगा? जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। लेकिन मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा एंटरटेन के हिसाब से। इनकी आंखें बंद कर मैं कुछ देना चाहता हूँ। इतना बड़ा इन्होंने मैसेज दिया और अगर हम खाली हाथ जाते हैं तो शायद अच्छा लगता है। गोनी खाली खाली लागे, गोनी गोनी खाली खाली लागे। थैंक यू। थैंक यू अरविंद सर, और थैंक यू प्रज्ञा जी, आपको आपका गिफ्ट मिल गया है। अब हम प्रीति जी से जानते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस खराब थी या फिर कचरा थी। आज आप बनिए कचरे वाली या कचरे वाला, उसके पास कुछ नहीं होता है फिर भी मस्त मौला होके नाचता है, और आज आपने वो दिखाया। आज आपके पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी आप मस्त मौला होके नाची हैं, और उस मस्त मौला माहौल में हम भी दीवाने हो गए। थैंक यू मैम। खूब खूब मजा जमा और बस ये जग में हम लोग खाली खाली रह गए। चलिए अब इनके जग में हम मार्क्स भरते हैं, तो बताइए कितने मार्क्स देना चाहेंगी प्रीति जी और शबाना मैम, आप दोनों साथ में। 1, 2, 3 18 मार्क्स, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू प्रज्ञा जी, प्लीज बैठ जाइए। आज हमारे थीम हंसते हंसते का समापन होता है यहीं पर, और अब बारी है आपको ये बताने की कि वो कौन सी बींदड़ी है जो आज हमारे इस नृत्य आंगन में जा रही है डेंजर जोन में। जैसा कि आपको पता है कि कल के एपिसोड में प्रतिका जी गई थी डेंजर जोन में, जिन्हें मिले थे 13 मार्क्स। आज हमारे इस मंच पे जो दूसरी बींदड़ी डेंजर जोन में जा रही है वो है अंकिता।
लेकिन आज की जो थीम थी हंसते हंसते नहीं बनाएंगे इस दिन को सैड डे, बनाएंगे गुड डे, क्योंकि माननी डे बताएंगी कि कौन बनी है बिंदनी ऑफ द डे। मैं कहूंगी कि बिंदनी ऑफ द डे वुड बी प्रज्ञा। वो जोरदार तालियां, प्रज्ञा जी आप हैं आज बिंदनी ऑफ द डे। तो प्रज्ञा जी आपको मिल रही है एसकेजे ज्वेलर जयपुर की तरफ से चमचमाती पायल। थैंक यू प्रज्ञा जी। तो अब हम करते हैं यहाँ पे अपने शो का समापन, लेकिन आपसे मैं बताना चाहूंगी अपनी बात कि अगर आप चाहते हैं अपने दिल की थीम हमारे मंच तक पहुंचाना तो बहुत इजी काम है आपके लिए। अपना फोन उठाइए, उस फोन पे मैसेज टाइप कीजिए NLB और स्पेस देके अपनी मन पसंदीदा थीम लिख दीजिए और उसे सेंड कर दीजिए 57575 पर। उसके बाद हमारे इस मंच पे उस थीम पे हमारी बींदड़ियां लगाएंगी लटके झटके ठुमके, आपको हंसाएंगी और आपको दिखाएंगी अपनी अदाएं। तो उसके लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। कजरा रे, कजरा रे।